आई होप यू मस्ट बी डूइंग गुड इंशाल्लाह इट्स मी एट योर इंग्लिश लाउंज आज की वीडियो में भी हम बात करेंगे अबाउट लेक्सिकल रिलेशंस लेक्सिकल रिलेशंस पे मैं जो पहले वीडियो बना चुकी हूँ जो इस वीडियो का पार्ट वन है उसमें हमने सिनोनिमी इंटानमी एंड हिपोनमी इन तीनों को डिस्कस कर लिया था सो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे प्रोटोटाइप्स होमोफोन्स एंड होमोनिम्स पॉलीसेमी वर्ड प्ले एंड मेटानम सो लेट स्टार्ट सबसे पहले हम देखेंगे दैट फोर्ट इज प्रोटोटाइप्स प्रोटोटाइप्स क्या है वर्ड जो प्रोटोटाइप है ये आता है लेठिन वर्ड से यानी लेठिन वर्ड प्रोटो जिसका मतलब है ओरिजिनल इन टाइपस मीन्स फॉर्म सो इसका मतलब है ओरिजिनल फॉर्म यानी वो वर्ड या वो मेंबर जो ओरिजिनली अपने ग्रुप को इंडिकेट कर रहा हो अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हो उसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ यहाँ पे नेम्स हैं जैसे ऑस्ट्रिच पिकॉक स्पैरो रॉबिन ये सब के सब कोहिपोनिम्स हैं बर्ड के अब ये कोपोनम्स क्या है ये हमने आ, पार्ट वन में डिस्कस कर लिया है सो आप अगर आपको नहीं पता कि को हिपोनिम क्या है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं ऑस्ट्रिच पिकॉक स्पैरो रॉबिन Osionfish. ये अगर कोहिपनम्स हैं बर्ड के तो इसका मतलब ये अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करें लेकिन प्रोटोटाइप कुछ ज़्यादा स्पेसिफ़िक हो जाता है प्रोटोटाइप्स में कहा जाता है कि जो वर्ड होगा वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होगा यानी जो रिप्रेजेंट करा कर होगा अपने ग्रुप को वो बहुत ही ज़्यादा यानी हंड्रेड परसेंट रिलेट करा कर होगा अपने ग्रुप को तो तब ही वो जो है वो प्रोटोटाइप हो सकता है अदरवाइज़ वो प्रोटोटाइप नहीं हो सकता जब हम वर्ड की बात करते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन से ही आता है कि उसके पर होंगे वो उड़ता होगा उसकी दो लेग्स होंगी यानी हॉलो लेग्स होंगी कि जिनकी मदद से वो उड़ सकेगा तो जब हम ऑस्ट्रिच और पिकॉक को देखें तो ये दोनों उड़ नहीं सकते सो प्रोटोटाइप से इसको हम बाहर निकाल देते हैं हम कहते हैं कि जो स्पैरो है और रॉबिन है ये दोनों प्रोटोटाइप्स से यानी यूँ कह लें कि हंड्रेड ये अपनी ब्रीड को या यूँ कह लें कि अपने ग्रुप को जो है वो शो करते हैं रिप्रजेंट करते हैं इसी तरह से हम बात कर सकते हैं कि जो चेयर है वो प्रोटोटाइप है फर्नीचर की फिर हम ये कह सकते हैं जो एप्पल है ये प्रोटोटाइप है फ्रूट की यानी ऐसी फॉर्म्स या ऐसे मेंबर्स के जो अपने ग्रुप को 100 परसेंट जो है वो उससे रिलेट कर सकें जो 100 परसेंट अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हों नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है होमोफोन्स एंड होमोनिम्स सबसे पहले हम देख लेते हैं होमोफोन्स क्या है जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन वो होते डिफरेंट हैं ठीक है तो हम उन्हें कहते हैं ये होमोफोन्स हैं फॉर एग्जाम्पल बियर बियर मीट मीट फ्लावर फ्लावर राइट राइट अब ये ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इनके स्पेलिंग भी डिफरेंट हैं और इनके मीनिंग्स भी डिफरेंट हैं ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं होमोफोन्स होमोनिम्स क्या होते हैं होमोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिनके स्पेलिंग सेम होते हैं प्रोनंसिएशन सेम होती है लेकिन उनके मीनिंग्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं लेकिन वो डिफरेंट मीनिंग तो होंगे और साथ ही अनरिलेटेड भी होंगे यानी बिल्कुल भी उनके मीनिंग्स आपस में रिलेट नहीं करे होंगे और एक और पहचान है हॉमोनिम्स की कि आप जब उनको डिक्शनरी में चेक करेंगे तो डिक्शनरी में उनको अलग अलग जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा यानी वो एक लिस्ट में ऐसा नहीं होगा कि एक लिस्ट है यानी एक वर्ड है लेट्स सपोज बर्ड है इसकी अगर डिफरेंट मीनिंग्स हैं तो वो उसी के नीचे डिफरेंट मीनिंग्स को जो है वो शो किया जाएगा ऐसा नहीं होगा बल्कि बर्ड का अगर एक मीनिंग है उसको पहले उसका एक मीनिंग लिखा जाएगा फिर दोबारा बर्ड लिखा जाएगा और उसका दूसरा मीनिंग लिखा जाएगा इसकी वजह क्या है इसकी वजह यह है कि जो होमोनेम्स होते हैं अगर ये दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स यानी हम कहते हैं ना कि अगर उनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं तो उसकी वजह यह होती है कि इनकी कैटेगरी जो है वो डिफरेंट होती है कैटेगरी मीन्स या पार्ट्स ऑफ स्पीच कह लें कि एक नाउन होगा तो दूसरा वर्ब होगा एक वर्ब होगा तो दूसरा एडजेक्टिव होगा यानी इनकी इस तरह से जो है वो कैटेगरी भी डिफरेंट होती है और अगर कैटेगरी सेम भी है तो इनके जो मीनिंग्स होंगे वो बिल्कुल ही अनरिलेटेड होंगे इनके मीनिंग्स किसी भी तरह से रिलेट नहीं कर रहे होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वर्ड है बैट बैट क्या है ये एक फ्लाइंग क्रिएचर यानी मेमल्स में आता है लेकिन ये फ्लाइंग क्रिएचर है फिर दूसरा बैट जो कि स्पोर्ट्स में यूज़ किया जाता है यानी ये, ये दोनों बिल्कुल ही अनिलेटेबल हैं फिर आ गया राइट मॉरली करेक्ट राइट टू पेन डाउन अब ये जो फर्स्ट राइट है ये हमारे पास नाउन है सेकेंड जो राइट है टू पेन डाउन ये लिखना यानी ये हमारे पास है फिर आ गया रेस वो जो रेस होती है स्पीड होती है इन रेस एथनिक ग्रुप यानी एक ही कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को जो वो रेस कहा जाता है रेसिज्म जो वर्ड इससे निकला है सो so हमने ये देखा कि जो होमोनिम्स में पेयर्स होंगे इन पेयर्स के जो मीनिंग्स हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे यानी स्पेलिंग भी सेम है प्रोनाउंसिएशन भी सेम है मीनिंग्स डिफरेंट हैं और मीनिंग्स बिल्कुल ही अनरिलेटेबल हैं अब हमारे पास आ जाता है पोलीसेमी पोलीसेमी क्या है पोली सेमी हमारे पास ग्रीक वर्ड से निकला है इसके हमारे पास टू पार्ट्स हैं पोली जिसका मतलब है मेनी एंड सेमी मीन्स मीनिंग्स मतलब मेनी मीनिंग्स एक ऐसा वर्ड जिसके बहुत ज़्यादा मीनिंग्स हो अब देखें हमने कहा होमोनिम्स ठीक है कि होमोनेम्स में हमारे पास यानी दो वर्ड्स होते हैं और उनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं यानी स्पेलिंग सेम है प्रोनान्सीशन सेम है लेकिन जो मीनिंग्स होंगे वो डिफरेंट होंगे पोली भी कुछ ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा नैरो डिफरेंस है इनके दरमियान हम ये नहीं कहते कि दो वर्ड्स होंगे और उनके जो वो डिफरेंट मीनिंग्स होंगे विद सेम स्पेलिंग एंड सेम प्रोनाउंसिएशन बल्कि हम कहते हैं एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स होंगे लेकिन वो मीनिंग्स रिलेटेबल होंगे होमोनेम्स में मीनिंग्स रिलेटेबल नहीं होते पोलीसेमी में मीनिंग्स जो है वो रिलेटेबल होते हैं एक वर्ड के जब आ, बहुत ज़्यादा मीनिंग्स होंगे उन और उन तमाम मीनिंग्स को डिक्शनरी में अंडर वन कैटेगरी या अंडर वन इंट्री रखा जाएगा तो उन आ, उन वर्ड्स को हम कहेंगे क्या हैं पोलीसेमी है, पोली है। आ, यानी और ये भी कहा जा सकता है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से ये एक ही होंगे यानी अगर नाउन है तो वो एक ही यानी नाउन की कैटेगरी में ही सारे उसके मीनिंग्स आएंगे ऐसा नहीं होगा कि एक वर्ड अगर नाउन है दूसरा वर्ब है उसका मीनिंग जो वहाँ पर जाके चेंज हो रहा है तो वो वर्ब है तो वो फिर पोली नहीं वो होगा वो होमोनेम होगा फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड लाइट है अब उसके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं लेकिन वो तमाम के तमाम मीनिंग्स अंडर वन कैटेगरी अंडर वन एंट्री आएंगे डिक्शनरी में वो क्यों क्योंकि ये सारे रिलेटेबल हैं और दूसरी बात कि ये सब के सब नाउन्स की कैटेगरी में आएंगे कोई भी जो वो वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब की कैटेगरी में नहीं आएगा फर्स्ट जो हमारे पास मीनिंग लाइट का आ जाता है फिजिकल सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यानी जो रोशनी होती है फिर ये कलर शेड को भी कहा जाता है फिर ये बहुत ज़्यादा जो चीज़ हैवी नहीं होती लाइट सी होती यानी हल्की होती है उसको भी हम लाइट कहते हैं फिर न, किसी की नेचर अगर बहुत नॉन सीरियस है तो उसको भी लाइट लाइटली नेचर या लाइट नेचर का कहा जाता है इसी तरह से पॉलीसेमी में, में हम बाकी भी बहुत सी एग्जांपल्स ले सकते हैं जैसे फुट है एक वर्ड तो फुट वो पर्सन का भी हो सकता है बेड का भी फुट हो सकता है माउंटेन का भी फुट हो सकता है फिर माउस अब माउथ जो है वो किसी भी इंसान के फेस का जो है वो हो सकता है पार्ट या फिर Hmm, किसी भी केव का माउथ हो सकता है या रिवर का हो सकता है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्ड प्ले वर्ड प्ले क्या है कि जो पोइट्स हैं वो अपने वर्क में इफ़ेक्ट लाने के लिए अपने वर्क में ह्यूमर लाने के लिए जो वो वर्ड्स को डिफरेंट वेज़ में यूज़ करते हैं यानी वर्ड्स के साथ खेलते हैं अब वो कैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें मैरी हैड अ लिटिल लैम अब ये जो मैरी हैड अ लिटिल लैम है हमारे जहन में ये बात आती है कि मैरी के पास एक जो वो छोटी सी लेम है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास छोटी सी लैम बल्कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसके पास गोश्त है यानी मीट है सो so, जो पोइट्स हैं वो डिफरेंट वेज से वर्ड्स को ऐसे यूज़ करते हैं कि उनके जो है वो डिफरेंट कोनोटेशन नि निकल सकती हैं उनके डिफरेंट मीनिंग्स निकल सकते हैं इसी तरह से जो विलियम वर्ड्स वर्थ की बहुत ही फेमस पोएम है स्टॉपिंग बाई वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग इसमें जो लाइन है द वर्ड्स आर लवली डार्क एंड डीप तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्ड्स की बात कर रहा है बल्कि वो जंगल की बात कर रहा है वो उस फॉरेस्ट की बात कर रहा है जो पोइट्स हैं वो वर्ड्स को डिफरेंट वेज़ में जब यूज़ करेंगे तो उन वर्ड्स का इफेक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा उनका कोनोटेशन जो है वो चेंज हो जाएगा उनका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा तो इस चीज़ को हम कहते हैं वर्ड प्ले नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैठनम अब मैठनम क्या है कोई भी ऐसा वर्ड या कोई भी फ्रेज जो के रिप्रेजेंट करे अपनी क्लास को यानी जब उस वर्ड को वहाँ पे यूज़ किया जाए तो उसका हम लिटरल मीनिंग ना लें बल्कि वो किसी और चीज़ को रिलेट कराओ वो किसी और चीज़ को शो कर रहा हो रिप्रेजेंट कराओ तो हम इस चीज़ को या इस प्रोसेस को कहते हैं मिटोनमी अब वो जो वर्ड या फ्रेज होगा हम उसका लिटरल मीनिंग नहीं लेंगे एज़ आई मैंशन हम उसका लिटरल मीनिंग नहीं लेंगे बल्कि हम उसका जो कनोटेटिव uh, मीनिंग होगा हम उसका जो सिचुएशनल मीनिंग होगा हम वो लेंगे हम ये देखेंगे कि ये वर्ड या ये फ्रेज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है या ये वर्ड किस चीज़ का मेटनम है फॉर एग्ज़ाम्पल आई ड्रेंक द होल बॉटल अब देखें बॉटल तो कोई नहीं पी सकता ना बॉटल अब मेटनम है किस चीज़ का वाटर का या किसी भी लिक्विड का यानी मैंने पूरी की पूरी बॉटल पी किस चीज़ की मैंने बॉटल नहीं पी मैंने वाटर पिया मैंने जूस पिया या मैंने कोई भी लिक्विड जो वो इनटेक किया तो यहाँ पे किसी वाटर का या लिक्विड का जिक्र करने की बजाय हमने कहा कि आई ड्रेंक द होल बॉटल फिर है इस्लामाबाद कॉल्स द पीस अब पीस इस्लामाबाद को नहीं चाहिए बल्कि इस्लामाबाद के लोगों को चाहिए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस्लामाबाद इस्लामाबाद के लोगों का मेटनम है फिर है आई फेयर टू द क्राउन आई फेयर टू द क्राउन मीन्स जो कसम है वो क्राउन की नहीं खाई जा रही बल्कि किंग या क्वीन की खाई जा रही है सो क्राउन इज़ द मैटर ऑफ क्वीन और किंग सो दैट इज़ ऑल अबाउट लेक्सिकल रिलेशंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा फॉर प्रजेंटेश असाइनमेंट्स क्वेज और नोट्स या ऑनलाइन ट्यूशन के लिए दिए गए ई मेल एड्रेस पर रबता करें थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़